अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स, भाइयों और बहनों। पहचानो कौन? नहीं पहचाना? मैं ही हूँ। हम आ गए हैं जी भावलपुर, और भावलपुर बहुत प्यारा शहर है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये आपने पूछना है कि मुझे प्यारा क्यों लगता है। तो हम अभी खड़े हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी चौक के पास, और पीर चौक से थोड़ा पहले, और प्रोग्राम है आज चोलिस्तान जाने का। और हमारे साथ हैं शानी भाई लेके जाएंगे चोलिस्तान। अब चोलिस्तान में क्या है वो हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। देखो जी, ऐसे बाइक आता है रेत पे। जो है ना वो जम रहे हैं, डेरा बक्का में रुके हैं। सोचा है कि वहाँ जाके ना बारबेक्यू करेंगे और मुर्गी का जो है ना वो गोश्त लेने यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे मिलेगा। आगे फिर डेजर्ट आ जाना है चोलिस्तान, तो वहाँ मुर्गी का गोश्त मिलना नहीं है। वहाँ तो देसी मुर्गी हैं, उनके अंडे तो खाए जा सकते हैं, उनको खाना बड़ा मुश्किल है। पहुँच गए हैं मुर्गी वाली शॉप पर, यहाँ से लेंगे गोश्त, और सोच रहे हैं कि पूरी मुर्गी ले लें गोश्त करवा के, और इसके बाद हमारा 15 मिनट का सफ़र और है, और फिर हम पहुंचेंगे चोलिस्तान। बाकी की राइड आपको दिखाएंगे चोलिस्तान में पहुंच के इंशाल्लाह। गांव के पास पहुंच गए, अब इस गांव से आगे जो है वो हमारा चोलिस्तान रोही शुरू हो जाएगा, और रोही पे पहुंच के फिर आपको दिखाएंगे कि रोही के क्या नज़ारे हैं। भाई ये है सरसों की बहार, सरसों पे फूल आ गए, और ज़बरदस्त सा व्यू इस वक्त नज़र आ रहा है आपको कैमरे में। गांव पे पहुंच गए, ये गांव का प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ गांव से आगे फिर रेत के टिब्बे शुरू हो जाते हैं, और हमने जाना है उनके बीच में। मोटरसाइकिल का रेत पे चलाने का भी अपना एक्सपीरियंस है भाई, और शानी भाई की हिम्मत है जो मोटरसाइकिल को संभाले हुए हैं।
यहाँ पे आबाद हो गई हैं और कुछ अभी भी आबाद होना बाकी है। हम भी बस पहुँचने वाले हैं अपने डेरे पे। वो सामने डेरा नज़र भी आ रहा है, यहाँ हमने पहुँचना है। अल्लाह पाक से ही सलामत ले जाए। डेरे पे डेरा काफ़ी तब्दील हो गया है, पहले से सोलर सिस्टम लग गया है। जीप यहाँ पे जेबी भाई की तैयार हो गई है और ये जनाब चौधरी गुलजेब बड़ाए साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये है जेबी भाई के पास सामान सारा हमारे पास मौजूद है। ये देखो भाई, चिकन, सब्जी, दाल, रोटी, साग, दही सारा लेके आए हैं। हाँ जी जेबी भाई, धूप निकल आई है, बड़ी मुश्किल से सूरज ने मुंह दिखाया है। तो ये देखो जेबी भाई के कबूतर है। जेबी भाई ने यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है। ये कबूतर है जेबी भाई के। ये यहाँ पे मुर्गियाँ और टर्की बर्ड है। ये तोते हैं ऑस्ट्रेलियन। ये जानवरों की हवेली है। ये कमरे हैं रहने के लिए। और ये एक है छोटा पिस्ती कुत्ता और एक है ये छोटा बच्चा। ओए तेरी खैर है। ये है जी जेबी भाई का डेरा। ये आबाद हो चुका है। और ये है रोही चोलिस्तान। और आज हम गुजारेंगे रात यहाँ चोलिस्तान में इंशाल्लाह। साथ बनाएंगे चिकन और साग हम लेके आए हैं, उसको लगाएंगे तड़का। रोटियाँ यहीं पे होंगी, आग भी यहीं पे जलेगी और इसी माहौल में हम रात गुजारेंगे। तो हमारे साथ रहना। डेरे पे गए हैं पहुंच और मैं कहूँ बोला, मैं हूँ छत पे, आपको दिखाने आया हूँ रोही। और ये है जी चोलिस्तान और ये है ज़मीन जो आबाद हो चुकी है जेबी भाई की। ये है शाम का माहौल और सूरज ने बड़ी मुश्किल से मुंह दिखाया है, तो धूप सेकने छत से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। जेबी भाई चले गए हैं टमाटर लेने, टमाटर भूल आए थे हम। और साथ में थोड़े से बिस्किट लेके आएंगे, रात को बैठ के चाय के साथ बिस्किट खाएंगे। यहाँ पे रात भी तो गुजारनी है। तो ये देखो अभी भी शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी भी मुंह से अच्छी खासी भाप निकल रही है और हाथ फ्रीज हो रहे हैं यहाँ पे जो हवा लग रही है, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल खुली हवा होती है। और इस वक्त जो है ना वो ज़बरदस्त माहौल है। रोही में आना हो तो सबसे जो बेहतरीन मौसम है वो है सर्दियों का, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ छत पे क्या आना है, यहाँ पे बाहर निकलें तो आपकी जो स्किन है ना वो जलती है और हवा तेज़ लू चलती है और गर्म रेत होती है। रेत का ये मसला है, जितनी जल्दी गर्म होती है ना ठंडी भी उतनी जल्दी होती है। तो सर्दियों में यहाँ ठंड भी बहुत होती है, इस वक्त जो टेम्परेचर है ना वो बहुत जो है ना नीचे है। और जो अभी चेक कर रहे थे तो टेम्परेचर जो है ना वो नियर 4 और 6 है। रात को ये भी डाउन हो जाएगा। और अभी जो मौसम की फोरकास्ट है वो भी ये कह रहे हैं कि जो साइबेरियन जो हवाएँ हैं वो अभी पूरा हफ्ता चलनी है, तो उसमें कोहरे का चांस भी है। तो लेकिन हम आ गए हैं तो अब यहीं पर रहेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि रोही है और बड़ा सुहाना है ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही है, रोही रंग रंगीली। ठीक है भाई, तो मैंने जाना नीचे, अब ऊपर आ गया हूँ, उतरना कैसे है ये अब उतर के ही बताऊँगा।
मैं आ गया हूँ यहाँ सरसों के खेत में, और मैंने जाना है ये इस टिब्बे के ऊपर, और वहाँ से जाके आपको व्यू दिखाएंगे उस साइड का जो है उस पार। जब शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे, शनि से भी अब्बू जी सारे, तो इस टिब्बे पे जो आबादी थी वो थी जंगली बिल्लों की और गिदड़ हुआ करते थे। अब यहाँ से ख़त्म हो गए। ये है जी इसके टॉप से, इस तरफ भी फसलें लग गई हैं और इस तरफ वाली हमारी हैं, और ये सिस्टम सारा ऐसे। पीछे सूरज जो है वो अब एंड शाम के वक्त ग्रूब होने करीब करीब है। लकड़ी यहाँ पे रखी हुई है जलाने के लिए, रोटियाँ बनाने के लिए, ये चारा काट के लाने के लिए। ये ट्रैक्टर है जिसके साथ कई सारे काम लिए जाते हैं, हल भी चलाया जाता है, चारा भी काटा जाता है। अब ये खड़ा है चारे वाली मशीन के साथ, और डायरेक्ट प्लेट के साथ उसकी बैटरी लगाई हुई है कि वो चार्ज होती रहे और वो बैटरी चार्ज हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पे चारे की मशीन लगी हुई है, चारा काटा जाता है जानवरों के लिए, इसके अंदर जाते हैं। ये ट्रैक्टर के साथ एक लिंक जोड़ के लगाया जाता है मशीन के साथ, जो घुमाता है मशीन को, और फिर मशीन चारा काटती है। ये चारा यहाँ पे गिरता है और यहाँ से उठा के फिर जानवरों को डाला जाता है। पहली है जानवरों की, ये उनका पानी का हौज है, और सर्दी गर्मी से बचने के लिए शेड बना हुआ है। और ये जनाब माशाल्लाह यहाँ पे पेट पूजा जा रही है इनकी, और ये गाय हमारी तरफ देख रही है, वो कह रही है कि सानू भी खान देते आ भी आराम कर है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये पपीज जो है ना ये एक दूसरे के साथ छुप के बैठे हुए, इनका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा इनको सर्दी से बचाने के लिए। इनके लिए कुछ झाड़ियाँ लेके ना इनकी पिंजरे की साइड पे और बाहर बाहर लगाते हैं घास फूस, ताकि इनको जो हवा है सर्दी वाली वो तंग ना करे। ये देखो जी ऐसे बाइक आता है रेत में।